सालों से यूएफओ और एलियंस देखे जाने की खबरों ने लोगों के दिलों में इसे लेकर एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम किया। वैसे देखा जाए तो यूएफओ का आधुनिक युग 20वीं सदी के मिडिल में शुरू हुआ। ये वो दौर रहा जब रॉकेट और हाईटेक प्लेन्स बनाए जा रहे थे। हो सकता है कि हमारी ये सोच एक संयोग हो या फिर एक वहम। 1940 से 1970 तक का वक्त अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और एलियन एनकाउंटर्स की स्टडी का ट्रांसफॉर्मेटिव एरा रहा, जब एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल लाइफ को लेकर सवाल खड़े किए गए और सरकारी जांच को बढ़ावा देने का काम किया गया। हमारे आज के वीडियो में हम ऐसे ही 12 यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को आपके सामने लाने जा रहे हैं, साथ ही आपको बताएंगे कि इन घटनाओं का लोगों पर कैसा असर पड़ा। तो क्या तैयार हैं आप इसे जानने के लिए? So what are you doing here now? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, 1940 फू फाइटर्स। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान मित्र देशों के पायलट्स ने रहस्यमयी घटनाओं की सूचना दी, जिन्हें फू फाइटर्स के नाम से जाना जाता है। ये चमकते हुए गोले एयरक्राफ्ट का पीछा करते हुए अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड दिखा रहे थे और शातिर तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, मानो जैसे वो बड़ी चालाकी से कोई लड़ाई लड़ रहे हो। संघर्ष के दोनों साइड के पायलट्स ने एक ऐसा अनुभव किया जो इसे दो अलग अलग घटनाएं होने के बजाय इसके एक यूनिवर्सल घटना होने की तरफ इशारा करता है। You've got a number of lights, 8, 10, 12 lights coming in on the left of the aircraft group that are apparently maneuvering in a very unusual way and then just take off at a very high rate of speed. This type of thing was reported many times. वैसे फू फाइटर्स ये शब्द एक कॉमिक स्ट्रिप से लिया गया था। इनकी खासियत यही थी कि ये चमकदार गोलाकार रोशनी थी जो एयरक्राफ्ट के पास मंडराती थी और फिर स्पीड से दूर चली जाती थी। सीक्रेट हथियारों और एटमॉस्फेरिक घटनाओं के साथ कई थ्योरीज के बावजूद फू फाइटर्स का असली नेचर अब भी क्लियर नहीं है। These objects were called different things at the time before they got a name, and the name that stuck was Foo Fighters. And it comes from a comic strip that was popular at the time called Smokey Stover. And he had a saying, which was, where there's a foo, there's fire. The US government has never offered an explanation for the Foo Fighter. In घटनाओं ने modern UFO घटनाओं की शुरुआत को mark किया और aerial anomalies में interest पैदा किया। फू फाइटर्स ये सिर्फ वॉर टाइम क्यूरियोसिटी नहीं थे, वे यूएफओ में युद्ध के बाद की बढ़ती रुचि के लिए मुख्य स्रोत भी थे, जिन्होंने यूएफओ के भविष्य रिपोर्ट्स के लिए आधार तैयार किया। नंबर 2, केनेथ अर्नोल्ड, 1947। जून 1947 में सिविलियन पायलट केनेथ अर्नोल्ड ने वॉशिंगटन के माउंट रेनियर में 9 नीली चमकती हुई चीज को वी आकार में तेजी से उड़ते हुए देखा था। एनॉल ने उनकी स्पीड को पानी के ऊपर उछालने पर तश्तरी के समान बताया। इसी वजह से उड़न तश्तरी ये टर्म चर्चा में आया। इस घटना को मीडिया अटेंशन भी बहुत मिला। इसे मॉडर्न एरा का पहला मेजर यूएफओ देखे जाने की घटना माना जाता है। एनॉल ने अंदाजा लगाया कि इन चीजों की स्पीड 1200 मील प्रति घंटे से ज्यादा की थी, जो उस वक्त किसी भी एयरक्राफ्ट की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। इसे देखे जाने वाले कई गवाह भी सामने आए, लेकिन चीजों का ओरिजिन और नेचर राज ही बना रहा। एर्नॉल के एक्सपीरियंस ने यूएफओ को लेकर लोगों में आकर्षण बढ़ाने का काम किया और साथ ही आगे होने वाली ऐसी घटनाओं के लिए एक स्टेज तैयार किया। In the skies, we have dutifully reported these things. And we have to have 15 million witnesses before anybody's going to look into the problem seriously. Why, this is utterly fantastic. This is more fantastic than
than flying saucers or people from Venus or anything, as far as I'm concerned. Number 3. Roswell Ghatna 1947. ये इतिहास में सबसे ज्यादा फेमस घटना रही। रॉसवेल दुर्घटना में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल के पास एक कथित उड़न तश्तरी से मलबा बरामद हुआ था। शुरू में अमेरिकी सेना ने एक उड़न तश्तरी मिलने की जानकारी दी, लेकिन बाद में बयान उनकी तरफ से वापस ले लिया गया और कहा गया कि ये एक वेदर बलून था। Would you ever open up Roswell and let us know what's really going on there? So many people ask me that question. I know, it sounds almost ridiculous, but it's actually the real question I want to know. It sounds like a cute question, but it's actually, there are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. इसके बाद conspiracy theories को हवा मिली, जिसमें एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस क्राफ्ट और उसके रहने वालों के बारे में सरकार द्वारा कवर अप का सुझाव दिया गया। गवाहों ने दुर्घटना की जगह पर अनयूजुअल मटेरियल्स देखे जाने की जानकारी दी, जिसमें मेटल भी शामिल था, जो मुड़ने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गया था। इस घटना ने कई बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और इन्वेस्टिगेशंस को प्रेरित किया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस के बावजूद रॉसवेल घटना यूएफओ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का बेस बनी हुई है और लोगों की सोच को अपनी तरफ खींचे हुए है। नंबर 4, मौरी आइलैंड घटना 1947। मौरी आइलैंड घटना केनेथ एर्नॉल्ड द्वारा देखी गई घटना से कुछ वक्त पहले हुई थी और इसमें हैरल्ड डाल द्वारा वाशिंगटन के मौरी आइलैंड के पास 6 डोनट के आकार के यूएफओ को देखे जाने की रिपोर्ट सामने आई। कथित तौर पर इनमें से एक चीज से स्लैग जैसा मटेरियल गिरा, जिससे डाल की बोट डैमेज्ड हुई और उनका बेटा जख्मी हुआ। इस घटना ने यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स और सरकारी अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसमें केनेथ एर्नॉल्ड खुद शामिल थे। डाल द्वारा यूएफओ को लेकर बताई गई बातों को पहले शक की नजर से देखा गया, लेकिन बाद की जांच में कुछ गड़बड़ी सामने आई। एक धोखाधड़ी के दावों के बावजूद मौरी आइलैंड की घटना अपने वक्त और कलेक्शन के लिए 1947 में देखे गए दूसरे यूएफओ के लिए बहुत खास बन गई। मौरी आइलैंड की घटना यूएफओ रिसर्चर्स द्वारा रिपोर्ट को वेरीफाई करने और संभावित धोखाधड़ी से निपटने में आने वाली शुरुआती चुनौतियों का एक उदाहरण है। नंबर 5, एजटेक न्यू मैक्सिको घटना 1948। रॉसवेल घटना के बाद न्यू मैक्सिको के एजटेक में एक और एलिस्ट यूएफओ क्रैश की घटना सामने आई। ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि एक बड़ा स्पेस क्राफ्ट उतरा था, जिसे मिलिट्री द्वारा बरामद किया गया था। गवाहों ने दावा किया कि क्राफ्ट में एलियन बॉडीज थी। फ्रैंक स्कली की एक किताब बिहाइंड द फ्लाइंग सॉसर्स के जरिए इस कहानी ने सबका ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एक अनजान सोर्सेस से मिली पूरी जानकारी दी गई। एजटेक घटना रॉसवेल के मुकाबले कम फेमस हुई। क्रिटिक्स का तर्क है कि ये कहानी धोखाधड़ी थी, जबकि सपोर्टर्स का कहना है कि ये एक जेन्युइन कवर अप था। ये घटना विवादास्पद बनी हुई है, जो यूएफओ दुर्घटना रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी पर चल रही बहस को सामने लाती है। एजटेक घटना की हाइलाइट्स कहानियों के साथ पीरियड्स फैसिनेशन और यूएफओ के बारे में गवर्नमेंट सीक्रेसी में लगातार विश्वास को उजागर करती है। नंबर 6, गॉर्मन डॉग फाइट 1948। अक्टूबर 1948 में दूसरे विश्व युद्ध के पायलट रहे जॉर्ज एफ गॉर्मन ने नॉर्थ डकोटा के फार्गो के ऊपर एक चमकदार फास्ट स्पीड से आती रोशनी के साथ बड़ी लंबी लड़ाई की। गॉर्मन ने बताया कि उस अजीब सी चीज ने उनके प्लेन को मात दी और अपने इंटेलिजेंट कंट्रोल को दिखाने का काम किया। इस एनकाउंटर को होते हुए कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। गवर्नमेंट द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन और उसे साबित करने वाले एविडेंसेस इस घटना को सेना के जवानों से जुड़ी सबसे क्रेडिबल शुरुआती यूएफओ रिपोर्ट्स में से एक बनाती है। वायुसेना के प्रोजेक्ट साइन द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि वो चीज एक जलता हुआ वेदर बलून था, लेकिन कई लोग इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मान रहे थे। The Air Force, ended up
explaining it as a combination of looking at planet Jupiter and a weather balloon, which in retrospect does not make any sense. And Hynek was very skeptical of that explanation. ये एनकाउंटर कोल्ड वॉर एरा के शुरुआती दौर में यूएफओ को लेकर मिलिट्री और सिविलियन इंटरप्रिटेशंस के बीच टेंशन को दिखाने का काम करती है। नंबर 7, लबक लाइट्स घटना 1951। अगस्त 1951 में टेक्सास के लबक में प्रोफेसर्स के एक ग्रुप ने रात के वक्त आसमान में वी आकार की एक घूमते हुए लाइट फॉर्मेशन की एक सीरीज को देखा, जिसकी उन्होंने तस्वीरें भी ली। इस नज़ारे को देखने वाले कई गवाह भी मिले, जिसे कार्ल हार्ट जूनियर द्वारा एक फेमस तस्वीर में कैप्चर भी किया गया। लबक लाइट्स की जांच एयरफोर्स के प्रोजेक्ट ब्लू बुक द्वारा की गई, जिसने निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि ये लाइट्स पक्षियों द्वारा शहर की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की वजह से बनी हो। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन को शक की नज़र से देखा गया, और ये घटना क्या थी इस बारे में अब भी कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। The problem with that is that there were many observers and they had seen birds before. So the idea that those were simply a flock of birds really isn't a good explanation. It could have been under certain circumstances, but in that particular setting, it does not explain the data. लबक लाइट्स बड़ी संख्या में गवाहों और फोटोग्राफिक एविडेंस के लिए महत्वपूर्ण है, जो 1950 के दशक की शुरुआत में यूएफओ रिपोर्ट्स के बढ़ते ग्रुप में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लबक लाइट्स केस यूएफओ इन्वेस्टिगेशंस में फोटोग्राफिक एविडेंस का रोल और इसके इंटरप्रिटेशन पर चल रही बहस को उजागर करता है। नंबर 8, वॉशिंगटन डीसी यूएफओ घटना 1952। जुलाई 1952 में वॉशिंगटन डीसी के ऊपर देखे गए कई यूएफओ का रडार की मदद से पता लगाया गया। We have, as of date, come to only one firm conclusion, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with any to any conceivable threat to the United States. इन घटनाओं की वजह से फाइटर जेट्स की एक सीरीज को उड़ाना पड़ा, वहीं लोगों में इसे लेकर चिंता भी देखने को मिली। वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट साइटिंग या वॉशिंगटन फ्लैप के रूप में जाने जाने वाली इन घटनाओं को बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज मिली, और इसने हाई लेवल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन को प्रेरित किया। वायुसेना ने इन घटनाओं को टेम्परेचर में उलटफेर और रडार में गड़बड़ियों की वजह के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कई लोग इस एक्सप्लेनेशन को शक की नजर से देखने लगे। That's the history of US government studies on UFOs. In modern times, there's the idea that there's a secret and small elite body of people who are covering up the truth from the rest of society. That aliens from space have visited planet Earth, but nobody else is allowed to know about it. इस घटना ने कोल्ड वॉर के शुरुआती दौर में यूएफओ में बढ़ते टेंशन और इंटरेस्ट को उजागर किया, और इस तरह की घटनाओं की सही तरीके से जांच की जरूरत जताई। वॉशिंगटन डीसी की घटना इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मास यूएफओ साइटिंग्स में से एक है, जो उस समय की बढ़ी हुई पब्लिक एंजाइटी और सरकारी जांच को जाहिर करती है। नंबर 9, लेवलैंड यूएफओ मामला 1957। नवंबर 1957 में टेक्सास के लेवलैंड में कई मोटरिस्ट ने एक चमकती हुई अंडे के शेप की चीज के साथ एनकाउंटर्स की इंफॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से उनके गाड़ियों के इंजन बंद हो गए। लोकल लॉ एनफोर्समेंट और एयरफोर्स प्रोजेक्ट ब्लू बुक द्वारा इन घटनाओं की जांच की गई। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन में इस घटना को बिजली के तूफान और बॉल लाइटनिंग की वजह से हुई घटना बताई गई, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखने वाले इसे मानने को तैयार नहीं थे। Well, sir, it was a flying object. It was oval shaped, and to me it looked flat on the bottom. It was something I'd never seen before, and my car did quit running on the highway. Coming back from Lubbock is what caused me to notice it. I see. Did you actually see the object itself? Yes, sir, I did. And could you give us approximately the size of the thing, or was it a massive, or was it just a light, or what happened to you? Well, no, sir, it looked solid to me. I mean, it did have a definite shape. It was kind of egg-shaped. It was flat on the bottom, and it was a luminous bright.
And about how long did it stay where you were? Oh, 3-4 minutes, something like that. And when it took off, did it also travel straight up? Well, almost straight up. And at very high speed. Levelland का मामला रिपोर्ट्स की कंसिस्टेंसी और वाहनों पर फिजिकल इफेक्ट्स के लिए उल्लेखनीय है। ये घटना UFO और मैकेनिकल सिस्टम्स के बीच इंटरैक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बना और रिसर्चर्स द्वारा इसकी स्टडी की जा रही है। लेवलैंड का मामला आम व्यक्तियों और ब्रॉडर कम्युनिटी पर UFO देखे जाने के इम्पैक्ट को डेमोन्स्ट्रेट्स करता है। नंबर 10, बेटी और बानी हिल अपहरण 1961। बेटी और बानी हिल अपहरण सबसे फेमस एलियन अपहरण कहानियों में से एक है। एक कपल ने दावा किया कि उन्हें एक स्पेसक्राफ्ट में ले जाया गया था और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों ने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया था। हिप्नोसिस के जरिए हासिल हिल्स की पूरी जानकारी में एलियंस और उनके प्रोसीजर का डिस्क्रिप्शन शामिल था। ये कहानी बड़े पैमाने पर फैली, जिस पर बाद में किताब और फिर टेलीविजन मूवी भी बनाई गई। हिल अपहरण केस पहली बड़े पैमाने पर सामने आई अपहरण की रिपोर्ट्स में से एक होने और पेश किए गए साइकोलॉजिकल और फिजिकल एविडेंस के लिए अहम थी। इसने UFO एनकाउंटर्स की एक नई शैली को जन्म दिया और एलियन अपहरण की बाद की रिपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस किया। नंबर 11, वेस्टॉल UFO एनकाउंटर 1966। अप्रैल 1966 में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के वेस्टॉल में अपने स्कूल के पास घास के मैदान से एक बड़े तश्तरी के आकार के क्राफ्ट को उतरते और उड़ते हुए देखा। ये घटना मीडिया में भी खूब चर्चा में रही और गवाह भी अपने बयान से हटे नहीं। वेस्टॉल एनकाउंटर की लोकल अथॉरिटीज और UFO रिसर्चर्स द्वारा जाँच की गई थी, लेकिन कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। ये घटना बड़ी संख्या में गवाहों, दिन के उजाले में देखे जाने और आबादी वाले क्षेत्र से क्राफ्ट की नज़दीकी के लिए फेमस हुआ। वेस्टॉल UFO एनकाउंटर ऑस्ट्रेलिया की सबसे खास UFO देखे जाने की घटना में शामिल है और ये इंटरेस्ट और डिबेट का विषय बना। वेस्टॉल का ये मामला UFO जांच में आई विटनेस की गवाह के महत्व और ऐसी रिपोर्ट्स पर आम सहमति बनाने में आई चुनौतियों को बताता है। नंबर 12, शैग हार्बर हादसा 1967। शैग हार्बर की घटना में कई गवाहों ने कनाडा के नोवा स्कोशा में एक बड़ी चमकदार चीज को बंदरगाह में क्रैश होते हुए देखा। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस और सैन्य गोताखोरों ने घटनास्थल की जांच की, लेकिन उस चीज का कोई निशान नहीं मिला। इस घटना का सरकारी रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया था और अभी भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। शैग हार्बर घटना ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट और उसके बाद की गई गहन जांच के लिए खास है। I think it's a very good objective for the human species at this critical moment when we're in this halting and tentative and not fully successful way trying to bind up all the peoples of the earth into what we clearly are, one species and one planet. I think the very thought of there being other beings different from all of us can have a very useful, cohering role for the human species. ये कनाडा के इतिहास में सबसे अच्छी तरह से देखे गए UFO मामलों में से एक है और शोधकर्ता अभी भी इसकी स्टडी कर रहे हैं। 1940 और 1970 के बीच के वक्त में कई UFO देखे जाने और एनकाउंटर्स की घटना सामने आई, जिन्होंने लोगों को इस पर सोचने पर मजबूर किया, साथ ही महत्वपूर्ण जांच को जन्म दिया। दूसरे विश्व युद्ध के रहस्यमय फू फाइटर्स से लेकर बेटी और बानी हिल की डिटेल अपहरण की कहानी तक, इन घटनाओं ने UFO की बढ़ती हुई कहानियों में अपना योगदान दिया और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में कुछ खास सवाल उठाए। हर घटना अपनी यूनिक सर्कमस्टांसेस और गवाहों के बयानों के साथ UFO घटना की कॉम्प्लेक्सिटी और साजिशों को बढ़ाता है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस और जांच के बावजूद इनमें से कई मामले अब भी अनसुलझे हैं, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हुआ। भले ही हम अब भी आसमान के रहस्यों का पता लगाना जारी रखे हुए हैं, लेकिन इस बीच ये ऐतिहासिक घटनाएं भविष्य के शोध के लिए आज भी हमें एक बेस देने का काम करती हैं।
आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।